सो हेलो गाइज, यू वॉचिंग टेक्निकल टिप्स ऑफिशियल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में जब भी आप मैसेज सेंड करते हो तो आपके सामने एक इंटरफेस देखने को मिलता है जो लिखा रहता है कि मैसेज नोट सेंड। तो यहाँ पर मैं अपने मैसेज पर ऐप पर चलता हूँ, फिर यहाँ पर जाने के बाद प्लस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं अपना सिम मुझे पोर्ट करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ 1919 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोर्ट। तो यहाँ पर मैं पोर्ट लिखूँगा, पोर्ट लिखने के बाद स्पेस, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर फिलअप करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मैसेज सेंड करता हूँ, मैं एयरटेल का जो सिम है उसी से मैसेज सेंड करता हूँ क्योंकि मुझे एयरटेल को ही पोर्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा आ जाता है मैसेज नोट सेंड। यहाँ पर टैप दी रिव्यू एंड मैसेज, यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन, फिर ट्राई अगेन टू लेटर लिखा आ जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, कितना भी क्लिक करने के बाद यही ऑप्शन शो होता है। क्या करना है, बैक करना है। बैक होने के बाद फिर इसी ऐप पर जाना है मैसेजिंग पर, इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाना है आपको। आने के बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा जाना है, फिर यहाँ पर सेंड मैसेज सर्विस एंड सेंटर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर जिस सिम से आप सेंड मैसेज सेंड कर रहे हो उस पर क्लिक करना है। मैं एयरटेल पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मोबाइल मैसेज सर्विस सेंटर का नंबर है। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं है तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से जाना है आपको किसी भी मतलब ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर सर्च कर लेना है एयरटेल सर्विस सेंटर यहाँ पर SMS। तो यहाँ पर सर्च करने बाद SMS नंबर, तो यहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च करने बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बंगाल का, फिर यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी स्टेट से हो वहाँ का आप सर्विस नंबर यहाँ पर कॉपी करने बाद, जैसे मैं यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ ये वाला। यहाँ पर कॉपी करने बाद फिर क्या करना है, उसी ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने बाद फिर एडिशनल सेटिंग पर जाना है। एडिशनल सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करने बाद एयरटेल पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो फिलअप है इसमें पैलेस नंबर है यहाँ पर प्रेस कर और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप मैसेज सेंड करना। अगर फिर भी नहीं होता है तो अपने कस्टमर केयर से कॉल कर आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगर वो बताते हैं जैसे जैसे करना है, आप स्टेप वाइज उनसे क्वेरीज़ कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।